जो यह निर्माणाधीन परिसर जिसका आपने शिलान्यास किया है, कुटीर परिसर जो 44 कमरों का एक बड़ा कलियों से आप स्वागत करेंगे। अधिकांश यहाँ बैठे हुए लोग मेरे सहयोगी रहे हैं, मेरी यात्रा के सहगामी रहे हैं। जब मैं सोचता हूँ कि मेरा अपना परिचय क्या, तो मुझे लगता है कि मैं गाजीपुर का एक भूमिका हूं। जैसे गांधी जी के चमत्कार, जैसे गांधी जी के चमत्कार और अर्जुन अलग नहीं हो सकते, मुझे लगता उसी तरह मुझसे भी अभी अलग नहीं रह सकता, बल्कि वो मेरे कंधे पर बैठ कर चलता है। दोस्त में रहूं या कहीं रहूं, और भी बिना नागा आप में से अनेक लोगों से संपर्क में रखता हूं, क्योंकि मेरे मन में गाजीपुर के लिए शांति, सौहार्द, संपन्नता, सामाजिक न्याय और विकास की गलत वृत्ति अभी भी अनुरत है। टेलीविजन पर, सोशल मीडिया पर सुनाई पड़ते हैं, असल में गाजीपुर का दर्जन जरूरी है। जम्मू में हूँ या सुंदर में कहीं भी हूँ, चिंगारी भी जलती है, वास्तव में गाजीपुर की। भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री, भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विकास लेकिन वर्तमान तथा भविष्य के लिए मैं आप ही का सिपाही बनकर अपनी निष्ठा और क्षमता से काम कर रहा हूं। मेरे लिए इससे बड़ा कोई परिचय नहीं है। मैं आपका अपना हूं और आपके 40 लाख लोगों के परिवार का एक सदस्य हूं। देश गरीब नहीं था, लोगों की जेबें भरी जा रही या इस्तेमाल किया जा रहा। आखिरी कतार में खड़े समाज के व्यक्ति धैर्य विस्फोटक स्थिति तक पहुंचने लगा। इतनी हास्यास्पद स्थिति थी, जनता के पोषक कहे जाने वाले लोग जिस व्यवस्था को चलाते थे, दिन दहाड़े गरीबों का हक मार रहे थे, जनता का हक मार रहे थे। पिछले 6-7 मौसम में शुरू हुआ है, लेकिन कह सकता हूं वो समय हम जल्द देखेंगे कभी धरती पर कोई भूखा नहीं छोड़ेगा। 80 करोड़ परिवार मुफ्त राशन दिया गया 2019 के अगस्त महीने में इस्तेमाल किया जा रहा। आखिरी कतार में खड़े समाज के व्यक्ति धैर्य विस्फोटक स्थिति तक पहुंचने लगा। इतनी हास्यास्पद स्थिति थी, जनता के पोषक कहे जाने वाले लोग जिस व्यवस्था को चलाते थे, दिन दहाड़े गरीबों का हक मार रहे थे, जनता का हक मार रहे थे। पिछले 6-7 मौसम में शुरू हुआ है, लेकिन कह सकता हूं वो समय हम जल्द देखेंगे कभी धरती पर कोई भूखा नहीं छोड़ेगा। 80 करोड़ परिवार मुफ्त राशन दिया गया 2019 के अगस्त महीने में देश की संसद में एक ऐतिहासिक फैसला। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन आज भी मैं कह सकता हूं कुछ लोगों को दिक्कत है। देश का जो युवा है, देश का जो नागरिक है, वो निश्चित ऐसी व्यवस्था देश में जरूरत पड़ी तो आतंकवाद के खात्मे के लिए पड़ोसी के क्षेत्र में घुस करके भी वार कर सकते हैं। ये स्थिति बनी है। एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में चारों तरफ दिखाई पड़ रही, मुझे याद है, आपको भी याद है, बेरोजगारी की दर 17% यही हुआ करती थी और आज मात्र 4% रह गई है। इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं, निवेश की, तो देश में उत्तर प्रदेश कभी 17वें स्थान पर होता था। आज फेवरेट डेस्टिनेशन की अगर मैं बात करूं, तो उत्तर प्रदेश देश का दूसरा स्थान बन गया। बीमारू राज्य के रूप में गिना जाने वाला उत्तर प्रदेश आज नीति
आयोग जो रैंकिंग जारी कर रहा है विभिन्न क्षेत्रों में, उसमें अपना स्थान बना रहा है। और हमारे लिए तो सौभाग्य का विषय है कि गाजीपुर से लखनऊ का सीधे एक्सप्रेस वे